और एक खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का हल्ला बोल। इंडिया गठबंधन के दलों ने निकाला है प्रतिरोध मार्च। आरजेडी, वामदल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पटना में प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने मार्च को इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया है। इस प्रदर्शन के पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी इस प्रदर्शन के दौरान हो गई है। संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रतिरोध मार्च में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और ये देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पर ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस ने लगा रखी थी, धक्का मुक्की चल रही थी और झड़प पुलिस और विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर झड़प चल रही थी। बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उस बैरिकेडिंग को नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। और देखिए ये बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे बढ़ गए हैं, यानी कि प्रशासन ने जो ये एक रणनीति बनाई थी कि हम यहाँ पर रोक के रखेंगे, ये जो प्रतिरोध मार्च में इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ से निकले हैं उनको यहाँ पर रोक कर रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया है और बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे निकल गए हैं। जो तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता जो इसमें शामिल थे, अब आगे नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ये जो आप मार्च देखिए किस तरीके से आगे बढ़ चुका है, ये इनकम टैक्स गोलंबर पर, और इस गोलंबर पर ही बहुत देर से इस प्रतिरोध मार्च को रोक करके रखा गया था, लेकिन अब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे, यानी कि इनकम टैक्स गोलंबर से आगे डाक बंगला चौराहे की तरफ ये प्रतिरोध मार्च आगे बढ़ रहा है। प्रशासन के साथ एक झड़प की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी और अब देखिए इनकम टैक्स गोलंबर से और आगे सामने तक आप देखिए किस तरीके से खास करके राजद और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे की तरफ ये जो प्रतिरोध मार्च है ये निकल रहा है। हालांकि लगभग आधे घंटे तक इनकम टैक्स गोलंबर पर ही प्रशासन ने इनके साथ मशक्कत किया, हल्की झड़प की स्थिति बनी, लेकिन उसके बाद से नेताओं और कार्यकर्ताओं का इतना दबाव था, इतना जोर था कि बैरिकेडिंग टूटा और उस बैरिकेडिंग टूटने के बाद से भी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता जो इस प्रतिरोध मार्च में शामिल थे वो सब इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर पटना में विपक्षी पार्टियों का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रुपेश पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रुपेश, इस वक्त क्या हालात है इस प्रदर्शन की? आपके पीछे अभी भी कार्यकर्ता काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ कार्यकर्ता तो लौट चुके हैं, लेकिन डाक बंगला चौराहे पे ये प्रतिरोध मार्च पहुंच गया था और यहाँ अभी भी देखिए जो स्थिति है, कुछ लोग धरने पे बैठ गए थे और कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। हालांकि यहाँ भी, यानी कि डाक बंगला चौराहे पर भी प्रशासन को बड़ी यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी और ये कहना है कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई है। जिस तरीके से हत्या हुई, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई और उसके बाद से ही, हालांकि बिहार सरकार ने एक समीक्षा बैठक की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP को बुलाया और उसके बाद से देखिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, तिवारी जी लगता है कि सरकार ने जो यहाँ समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को, पुलिस DGP को जो निर्देश दिए गए कुछ हालात सुधरेंगे, आप तो प्रतिरोध मार्च में शामिल थे, धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज की स्थिति पैदा हुई इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक। देखिए सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक बुलाने में बहुत देर कर दी। अपराधियों के तांडव का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। समीक्षा तो जब जब हुई है तब तब अपराधियों ने सीधे चुनौती दी है और अपराधी घटनाओं में वृद्धि हुई है। जब शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो जाता है तो अपराधी इसी तरह बेलगाम हो जाते हैं। पुलिस की वर्दी का कोई डर ही नहीं है अपराधी में। अपराधियों की सेटिंग सीधे सरकार से है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। ऐसे में विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता है, इसलिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आज पटना की सड़कों पर हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार गिना रहे थे ट्विटर पे कि इतने अपराध हुए हैं एक महीने में, लेकिन हैं कहाँ, कोई दिख नहीं रहा। क्राइम बुलेटिन तेजस्वी यादव जी लगातार जारी कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव जी जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर ही आज जनता का जनसैलाब सड़क पर उतरा। सबसे बड़े नेता अखिलेश यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो नजर आए, लेकिन आपकी तरफ से आप हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं। हमारे पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर ये कार्यक्रम है, हमारे सारे बड़े नेता अपने अपने सारे क्षेत्र में, सारे जिलों में उपस्थित हैं। यहाँ पटना की सड़कों पर भी सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित रहे। जनता का जनसैलाब जिस तरह उमड़ा, हर जगह पर गुस्सा, आक्रोश का प्रकटीकरण सरकार के खिलाफ दिखा है। लाइव तस्वीरें पटना से दिखा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन, विपक्षी पार्टियों ने बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पटना में ये मार्च निकाला है, जिसकी बातचीत भी आपने सुनी। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि हम इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरेंगे और सवाल पूछेंगे।